सभी को नमस्कार। मुझे बीपी का मैं टैबलेट एक लेता हूँ, पर मैं उसके लिए नहीं आया था। मैं जुलाई 19 से समहाउ एनडीएस के संपर्क में आया यूट्यूब में। मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते गया हूँ कुछ सालों से हेल्थ कॉन्शियस होते गया हूँ। तो मुझे ऐसा था कि पहले मैं काफ़ी मासार, मैं 89 के पहले की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल में था और खाता था, सभी चीज़ें खाने में आई है। तो मेरे मन में था कि मेरे को मेरी बॉडी का डिटॉक्स करना है। तो इसी तरह से मैंने पहले भी एक बार 2000 में किसी को कंपनी देने के लिए मैंने पानी का, वो जैन थे, मैं तो वैष्णव हूँ, तो उनको कंपनी देने के लिए मैंने चालू किया। उन्होंने तो एक डेढ़ दिन बाद बंद कर दिया। मैंने 4 दिन तक पानी पर रहा तो मेरे घर में बहुत रोना धोना चलने लगा, क्योंकि हम लोगों में देखा नहीं जाता। मेरी मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि अपने में बचपन से देखते नहीं हैं, तुम स्त्रियां मजबूत नहीं होती है, तू नेक्स्ट ईयर कर लेना। तो मैंने फिर 5वें दिन बोलते हैं मद और खड़ी शाकर का पानी पिया, 6ठे दिन मूंग का पानी पिया, और 6ठे दिन रात से मैंने मूंग की थोड़ी खिचड़ी खा के सब बढ़ाता गया। तो मुझे ऐसा शौक था, तो मैंने जुलाई 19 में मैं संपर्क में आया था सूरज भाई के, ये नंबर देख के। तो फिर मौका मिला नहीं आने का, और इस बार आया तो मेरी सब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके आया, तो मेरी सब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है, विद इन रेंज। जैसे सुबह बताया मेरा B12 540 में है, पर यहाँ आके जो अनुभूति हुई है, जो लाइटनेस फील होती बॉडी में, और मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुझे पानी पीना है। अभी तक मैंने आधा लीटर पानी पिया इतने 4 दिन में, मैं आधा लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी पाया हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्यास लग रही है या मुझे क्रेविंग्स आ रहे हैं खाना खाने की, क्योंकि वाकई हेड्स ऑफ एंड धन्यवाद सभी टीम को, जो राजीव भाई एंड उनकी फैमिली सब इसमें इतना योगदान दे रहे हैं, तो इट इज़ कमांडेबल। एंड जितनी हम प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि मुझे अभी ये डर लग रहा है। मैं चाहता था मेरी वाइफ मेरे साथ में आए, पर शी वॉज नॉट एनरोल्ड, मेरे विचारों से सहमत नहीं थी। तो नया ट्राई करने में उसको मेरे कहने पे नहीं होगा, जैसे उन्होंने सही बोला, मैंने सुनी नहीं उसकी आज तक, तो मेरी नहीं सुनती अभी। एनीवेज, तो मुझे अभी ये तकलीफ हो रही है कि मैं बुक तो ले लिए रेसिपी की, पर क्या वो बना पाएगी, और बना पाएगी तो रूटीन में ये ऐसा नहीं बना जैसा वहाँ था, तो फिर झगड़ा होगा। तो खैर, हम अभी आज सुबह विवेक भाई और हम सब बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ मच ईजियर ये रॉ फूड बनाना, खाना काफ़ी तकलीफदायक नहीं है, चॉपर में भी कट करके कर सकते हैं, वो अपना अनुभव बता रहे थे। तो आई एम ट्रूली कि ये न्यू डाइट सिस्टम वाकई बहुत अच्छा है। एनिमा मैंने कभी नहीं लिया था, मैंने एनिमा लिया इतने दिन से, रोज़ रूटीन 3 बार दिन में ले रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। मुझे ना मोशन का प्रॉब्लम था, पर मुझे फिर भी लाइट फील हो रहा है। मेरा करीब 2 से 2.5 किलो वजन मेरा कम हो गया। मैं आया तभी 82.9 था, कल 80.2 था, पर आज 80.8 था दोपहर में, तो 2 किलो करीब कम हुआ है। पर मैं वेट कम करने तो नहीं आया था, मैं शरीर शुद्धि के लिए आया था। और मुझे जो चौहान साहब ने लिखा, मेरे 2 पेट भर गए, मैंने स्टूडेंट बन के नोट्स लिखे हैं, हालांकि इनकी यूट्यूब पे है, पर मुझे जो समझ में आया सुन के आज यहाँ पे कि मैं उस माहौल में हूँ। जब मैं इनकी यूट्यूब देखता हूँ, मैं उस माहौल में रहता हूँ, मेरे 10 विचार और चलते हैं, पर जब यहाँ पे मेरे विचार सिर्फ इनको सुनने के थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की है। मैं वाकई इसको एक मेरे नोट के हिसाब से एक बोलते हैं ना समरी बना के, जितने भी लोगों को हम पास ऑन कर सकते हैं वो करेंगे। और मैंने कालू भाई से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे एक फ्रेंड को, अभी लास्ट मंथ ही, वो होम्योपैथी पे था, पर उसकी किडनी डैमेज हो गई, और उसकी किडनी अभी 20% काम कर रही है, उसको वीक में 3 बार डायलिसिस का लेना पड़ रहा है, इस मस्ट बी 50-55। तो उन्होंने कहा एक दिन का सेमिनार पहले कीजिए, तो मैं एक दिन का सेमिनार के लिए सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे मिस्टर विवेक से और अब हितेंद्र जी कि अपन लोग मिलके करते, कि हो सकता पहली बार में मेरे लोग इतने नहीं इकट्ठे हो पाए,
तो चाहे थाना से भी हैं ये लोग, तो इन सब से मिल के हम 10-10, 20-20 लोग भी अगर इकट्ठा होते हैं और 100 जन होते हैं तो इट विल बी वर्थ वाइल फॉर देम टू कम ऑल द वे, यहाँ से यहाँ वहाँ तक आ रहे हैं हमारे लिए, तो हम इतनी क्राउड तो इकट्ठा करें, 100 तो मिनिमम होना चाहिए, 200-300 होगा तो बहुत अच्छी बात है। पर इन्होंने चौहान साहब ने हमें जिस तरीके से समझाया, धीरे धीरे बोलते हुए समझाया और जो उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे भागवत में दृष्टांत दिए जाते हैं, वाकई वो हमारे मन में बातें उतर गई है, तो कन्विंसिंग उनका है और क्यों है, लॉजिक है, बेसिस है, तो क्या वजह है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, और जब वो समझ में आ जाता तो हम फिर उस पर एनरोल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राजू भाई इन फैमिली, चौहान साहब का तो सच सच नमन है, पर आप लोगों का भी खूब खूब धन्यवाद।